व्हाट्सएप हम सब यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप में कुछ ऐसे अपडेटेड फीचर्स आने वाले हैं जो आपको अभी यदि व्हाट्सएप आप अपडेट करते हैं तो आपको मिलेंगे या कि आपको आने वाले टाइम पे देखने मिल सकते हैं। व्हाट्सएप में अपडेटेड पॉलिसी के अलावा कुछ ऐसे आपको 10 फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस व्हाट्सएप को यूज करने पे देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा सभी आपके फीचर्स आने वाले जानने। अब जब ही आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा या कि इंस्टाग्राम के अलावा यदि आपने स्नैपचैट में देखा होगा कि आप जैसे मैसेज रीड कर लेते हैं तो मैसेज खुद से डिसअपियर हो जाता है, वैसे सेम अब व्हाट्सएप में भी होने वाला है। अब जैसे ही कोई फोटो कोई आपको सेंड कर रहा है, आप किसी को फोटो सेंड कर रहे हैं या कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, जैसे सामने वाला व्यू कर लेता है या कि रीड कर लेता है तो आपका मैसेज खुद में खुद डिसअपियर हो जाएगा। आप जब किसी को यहाँ पे वॉइस मैसेज सेंड कर रहे होते हैं तो वॉइस मैसेज सेंड करने के पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आप एनिमेशन के थ्रू अपने वॉइस मैसेज सेंड कर पाएंगे। एनिमेशन के साथ साथ अपने वॉइस को आप चेंज कर पाएंगे, वॉइस को आप तरह तरह के फिल्टर लगा पाएंगे अपने वॉइस में, और कुछ अपने वॉइस को एक अच्छा फनी और नए अंदाज से आप सेंड अब कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कोई वीडियो भेजता था या आप स्टेटस में कोई वीडियो लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे अभी तक ऑप्शन नहीं था कि उसका जो आवाज़ है उसको म्यूट कर पाएँ या कि वहाँ पे उसका गाना चेंज कर पाएँ, तो यहाँ पे अब व्हाट्सअप ऑप्शन देने जा रहा है। तो अब वीडियो म्यूट फीचर में आप यहाँ पे यदि किसी को वीडियो सेंड कर रहे हैं तो वीडियो को आप यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं उसकी आवाज़ को, और यहाँ पे स्टेटस में लगाने से पहले आप उसे म्यूट करके ही स्टेटस में लगा सकते हैं। व्हाट्सएप को एक ओपन सोर्स यहाँ पे चैटिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिसमें यदि एक बार आपका व्हाट्सएप आपके फ़ोन में लॉगिन है तो यदि कोई आपके फ़ोन का स्क्रीन पासवर्ड पता कर लेता है तो उसके बाद आपकी चैट रीड कर सकता है। लेकिन अब व्हाट्सएप में एक नया फीचर आने वाला है जिसमें आप हर एक स्पेसिफिक चैट के लिए एक आप पर्टिकुलर पासवर्ड रख सकते हैं। यदि आप चाहें तो सभी के लिए एक सेम पासवर्ड रख सकते हैं, वरना आप एक पर्टिकुलर पासवर्ड हर चैट के लिए रख सकते हैं जिसे आपको खुद याद करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो प्राइवेसी मिलती है, जो आप चैट कर रहे होते हैं, वही सिर्फ आप ही रीड कर पाएंगे, आपके अलावा कोई और रीड नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे व्हाट्सएप ने सबसे बड़ी यही समस्या थी कि एक बार यदि एक डिवाइस में आप व्हाट्सएप लॉगिन कर लिए तो दूसरे डिवाइस में लॉगिन करने के लिए आपको दोबारा से ओटीपी से वेरीफाई करना होता था और दोबारा आपको लॉगिन करना होता था। लेकिन अब व्हाट्सएप में यहाँ पे एक नया फीचर आ रहा है जो है मल्टी डिवाइस सपोर्ट का, कि आप यहाँ पे कम से कम बहुत सारी डिवाइस में एक साथ यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर सकते हैं और उसका मज़ा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि आप डेस्कटॉप में भी व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप को डेस्कटॉप में लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर वहाँ पे मिसिंग थे, जैसे यहाँ पे वीडियो एंड वॉइस कॉलिंग का आप डेस्कटॉप के थ्रू नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो एंड वॉइस कॉलिंग का भी ऑप्शन दे रहा है डेस्कटॉप में, तो आप डेस्कटॉप से भी वीडियो कॉलिंग एंड वॉइस कॉलिंग कर पाएंगे। आप यदि मेरे टेक अपडेट को फॉलो करते होंगे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि यहाँ पे व्हाट्सएप में रील आने वाला है। रील यदि आप जान रहे होंगे तो रील का फीचर अभी आप फिलहाल इंस्टाग्राम और फेसबुक में मिल रहा है, तो अब यहाँ पे व्हाट्सएप में भी रील का मजा उठा पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे, स्टेटस लगा पाएंगे और बहुत कुछ रील का यहाँ पे अच्छा खासा एंटरटेनमेंट रील के थ्रू आप अब कर पाएंगे। अब जैसे आप किसी से चैट कर रहे हैं, कोई आपसे डिमांड करता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि मुझे इसको बाई करना है, इसे लेना है, तो आप तुरंत यहाँ पे कोई दूसरे शॉपिंग ऐप जाके ओपन करते थे और उन शॉपिंग ऐप के थ्रू वहाँ से लिंक कॉपी करके उसे सेंड करते थे कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप व्हाट्सएप खुद शॉप इन व्हाट्सएप का ऑप्शन दे रहा है व्हाट्सएप कार्ड करके, जिसमें आप व्हाट्सएप में ही शॉपिंग कर पाएंगे। व्हाट्सएप में आपको ऑप्शन दिया जाएगा शॉपिंग के लिए, तो आप व्हाट्सएप में शॉपिंग कर पाएंगे, वहीं से आप ऑर्डर कर पाएंगे, वहीं से ऑर्डर फिक्स कर पाएंगे और किसी और को भी यहाँ पे सजेस्ट कर पाएंगे। जैसे एक बार यदि आप व्हाट्सएप लॉगिन कर लेते हैं तो व्हाट्सएप में आप लॉग आउट करने के लिए सिर्फ वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन था कि आप व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे फिर एक नया फीचर आने वाला है जिसमें आप कभी भी व्हाट्सएप पे लॉग आउट कर सकते हैं, कभी भी लॉगिन
कर सकते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को कर पा रहे थे। तो जैसे आप जानते हैं कि फेसबुक की कंपनी और इंस्टाग्राम की कंपनी ही व्हाट्सएप है, पार्टनर कंपनी है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप में भी यह सेम फीचर आने वाला है कि कभी आप व्हाट्सएप को लॉग इन और लॉग आउट कर पाएंगे। अब देखिए क्या होता था कि व्हाट्सएप में जैसे आपको कोई मैसेज सेंड कर रहा है और आप वहाँ पे उसे रीड नहीं करना चाहते, कोई कॉल कर रहा है या किसी कारण बस रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाले को लगता था कि आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारा बवाल बन जाता था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि व्हाट्सएप एक नया मोड आ रहा है जिसे व्हाट्सएप वेकेशन मोड बोल रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि आप यदि वेकेशन मोड ऑन कर देंगे तो कोई भी आपको कॉल या मैसेज करेगा तो उसमें आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप WhatsApp यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आसानी से आप वहां पे वेकेशन मोड लगाकर आप अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे कुछ WhatsApp के अपकमिंग फीचर्स एंड अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को झटपट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही आने वाली अपडेट्स के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, एंड मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।